हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बिंदास चैनल ऑफ दिस बंदा बिंदास, जहाँ पे ये बंदा बिंदास आपसे करेगा कुछ बिंदास बातें। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने वीक डेज जो है वो अच्छे से यूटिलाइज कर रहे होंगे। आज हम मिले हैं एक ऐसी मूवी का रिव्यू करने के लिए जो रिसेंटली रिलीज हुई है, लेकिन मुझे उसको देखने में थोड़ा सा डिले हो गया और इसलिए ये रिव्यू जो है वो थोड़ा लेट हो गया है। मैं बात कर रहा हूँ मैड मैक्स सीरीज की, जो लेटेस्ट मूवी रिलीज हुई है, फ्यूरियोसा मैड मैक्स सागा। जी हाँ, ये मूवी जो है रिसेंटली रिलीज हुई है और मैंने ये वीकेंड पे इस मूवी को देख लिया है, तो मैं आज आपके सामने इसका रिव्यू प्रेजेंट करूँगा और मैं अपने व्यूज़ रखूँगा कि मुझे ये मूवी कैसी लगी है। तो मैंने ये मूवी 4DX में देखी है क्योंकि इसमें एक्शन सीक्वेंस भरपूर है और जो डेजर्ट का पूरा जो सेटअप है, तो मुझे लगा कि इसे IMAX या फिर 4DX में देखना बेटर एक्सपीरियंस होगा। मैंने IMAX के लिए ट्राई किया लेकिन IMAX में हिंदी डब वर्जन अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने 4DX सेलेक्ट किया और 600 रुपये दे के मैंने ये टिकट बुक किया और मैं ये मूवी देखने के लिए गया। तो जैसा कि अगर आपने मैड मैक्स जो फर्स्ट पार्ट है इसका, मैड मैक्स फ्यूरी रोड, अगर आपने देखा होगा, तो ये जो है एक डिस्टोपियन वर्ल्ड के ऊपर मूवी है जहाँ पे ऐसा एक टाइम दिखाया गया और ऐसे एक सेटअप दिखाया गया है जहाँ पे कुछ लोग हैं जो एक बंजर इलाके में रहते हैं और वहाँ पे भी दो ग्रुप हैं जो गैंगस्टर्स टाइप के हैं, और वो जो है उन एक ग्रुप है जिसके पास पेट्रोलियम है और एक ग्रुप है जिसके पास पानी और कुछ रिसोर्सेज है, लेकिन दोनों ही ग्रुप्स जो है वो आपस में लड़ते रहते हैं और रिसोर्सेज के लिए मारामारी होती रहती है, और उसी में ये जो है कहानी सेटअप की गई है। एक्चुअली में जो फर्स्ट पार्ट है उसमें एक कैरेक्टर दिखाया गया है फ्यूरियोसा करके, उस कैरेक्टर को कैसे एस्टेब्लिश किया है और उसकी कहानी क्या है उसको इस पार्ट में दिखाया गया है, जहाँ पे उसके बचपन से लेके जो वो बड़ी हो जाती है वहाँ तक की उसकी कहानी दिखाई गई है कि कैसे वो इन लोगों के बीच में आके फंसती है और कैसे उसकी क्या स्टोरी है और क्या उसके स्ट्रगल्स हैं। तो एक्शन सीक्वेंस जहाँ पे आप देखेंगे वो ओवर द टॉप हैं, कहीं कहीं जगह पे आप कंफ्यूज हो जाते हो, कभी कभी ऐसा भी लगता है कि आप कौन किसकी तरफ से लड़ रहा है वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। और अगर आपने मैड मैक्स जो फर्स्ट पार्ट देखा है, तो जब मैंने 2015 में वो फर्स्ट पार्ट देखा था तब एक्चुअली कहीं ना कहीं पे वो मूवी जो है मेरे ऊपर से गई थी, मेरे बाउंसर गई थी, क्योंकि मुझे एक्चुअल में समझ में नहीं आया क्योंकि उन्होंने कहानी जो है स्टार्टिंग से एक्सप्लेन नहीं की है। हाँ, थोड़ा बहुत उन्होंने जो है सेटअप बनाया है कहानी का, लेकिन वो डिस्टोपियन वर्ल्ड कहाँ से आया, वो डिस्टोपियन वर्ल्ड की कहानी क्या है, वो जो कैरेक्टर्स हैं जो गैंगस्टर है वो उसका लुक ऐसा क्यों है और वो लोगों के पास पेट्रोलियम कहाँ से आया और ये सब चीज़ें कहाँ से, ये कहीं पे भी एक्सप्लेन नहीं किया था उन्होंने फर्स्ट पार्ट में। लेकिन जब आप सेकेंड पार्ट देखेंगे तो सेकेंड पार्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो, क्योंकि फ्यूरियोसा के बचपन से लेके जब वो बड़ी हो जाती तब तक की कहानी दिखाई गई है, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो फर्स्ट पार्ट में जो क्लियर नहीं थी वो सेकेंड पार्ट में आपको क्लियर हो जाएंगी। जैसे फर्स्ट पार्ट में जो लेडीज़ थी जिनको ये लोग लेके भागते हैं, वो यहाँ पे डिटेल में बताया कि वो लेडीज़ कौन है और उनका क्या रोल है इसमें। तो इस तरह से ये कहानी जो वो है कंटिन्यू करती है। अब बात करेंगे एक्शन सिक्वेंसेस की, तो एक्शन सिक्वेंसेस अच्छे हैं बहुत जगह पे, क्योंकि मैंने 4DX में देखा तो, लेकिन आप जगह अगर 4DX में ये मूवी देख रहे हैं तो हाँ आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि इतने एक्शन सिक्वेंस है और इतनी जगह पर मूवमेंट है कि आपकी मतलब कमर की वाट लग जाएगी। वुड सजेस्ट कि आप ये मूवी जो है IMAX में देखिए क्योंकि एक्शन सिक्वेंस बहुत अच्छे हैं। हाँ, अगर आप इसको 4DX में देख रहे हैं और आपको बैक पेन या फिर नेक पेन की शिकायत है तो प्लीज़ 4DX में मत देखिए, क्योंकि इतने झटके आपको लगेंगे कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और ये मूवी जो है 2 आवर्स 40 मिनट्स के आसपास की है और इसमें हर एक मोमेंट पे जहाँ पे वो बाइक में ब्रेक लग रहे हैं, बाइक में गियर चेंज हो रहे हैं, बाइक स्लिप हो रही है या फिर बाइक ब्लास्ट हो रही है या फिर जो ट्रक्स ब्लास्ट हो रहे हैं, गाड़ियाँ पलट रही हैं, सब जगह में आपको जो है वो 4DX का जो मज़ा आ जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपको बैक पेन है वगैरह है तो प्लीज़ अवॉइड करिए ये मूवी 4DX में, एटलीस्ट तो प्लीज़ अवॉइड करिए ये मूवी 4DX में। तो कुछ सिचुएशंस इसमें ऐसी हैं जो अजीबोगरीब हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जब वो डील कर रहे हैं एक दूसरे से, तो एक गैंग बोलता है कि हमारे पास पेट्रोलियम है, तो वो दूसरा गैंग बोलता है आप हमको पेट्रोल दो, हम आपको पानी और माँ का दूध देंगे। तो जिन लेडीज़ को उन्होंने कैप्चर किया होता है, जिनको वो गैंगस्टर जो है प्रेग्नेंट करता है, आई डोंट नो माँ का दूध का क्या डील है, बट कौन है ये लोग? कहां से आते हैं?
और जहाँ पे वो सोल्जर्स लड़ रहे हैं, तो एक ग्रुप है जहाँ पे सोल्जर्स ने अपने आप को पूरा वाइट पेंट किया हुआ है, और जब वो लड़ रहे होते हैं तो वो अपने आप के मुंह पे स्प्रे पेंट करते हैं और शहीद बोल के ट्रक के आगे बाइक के आगे कूद जाके अपनी जान दे देते हैं। मतलब कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। तो ऐसे कई कई ओवर द टॉप सिचुएशंस हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि अगर आपको एक्शन सीक्वेंस अच्छे लगेंगे तो आप ये मूवी देख सकते हैं। और इसमें आपके जो है थॉर भाई साहब भी हैं, क्रिस हेम्सवर्थ भी हैं, देवी और सज्जनों। कई कई जगह पर उन्होंने कॉमिक रिलीफ भी दिया है और एक्टिंग भी उनकी अच्छी है। उनका इम्पैक्ट जो है और ज़्यादा अच्छा हो सकता था। मूवी ऐसे ही इंजॉय करने की, आप एक्शन सीक्वेंस इंजॉय करिए लेकिन आप इसमें लॉजिक मत ढूंढिए, क्योंकि अगर आप फर्स्ट पार्ट भी देखेंगे तो उसमें भी बहुत सारे सीक्वेंस ऐसे थे। जैसे एक सीक्वेंस आपको याद होगा कि एक बंदा है वो गिटार प्ले कर रहा है और गिटार में से आग निकल रही है, वो ट्रक के आगे खड़ा हुआ है, स्पीकर्स लगे हुए हैं ट्रक में और लोग लड़ रहे हैं मर रहे हैं आसपास, और वो गिटार प्ले कर रहा है और गिटार में आग निकल रही है। और दूसरा सीक्वेंस उसमें ये था कि दूसरे सीक्वेंस में लोग जो है वो डंडियों पे लटके हुए हैं और डंडियों से एक दूसरे की गाड़ियों पे जंप कर रहे हैं और ऐसे लड़ाई हो रही है। तो ऐसे ओवर द टॉप सीक्वेंस थे फर्स्ट पार्ट में भी, और ऐसे यहाँ पे भी कुछ सीक्वेंस ऐसे हैं। ये मूवी जो है 18+ है, तो ऑब्वियसली चिल्ड्रंस आर नॉट अलाउड। खासकर मैं बोलूँगा जो पेरेंट्स अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके थिएटर में आते हैं, प्लीज़ भाई साहब हमने 600 रुपये के टिकट दिए 4DX में, आप अपने बच्चों को मत लाइए क्योंकि हम मूवी देखने आए हैं, आपके बच्चे की किलकारी सुनने नहीं। तो मूवी अच्छी है लेकिन मैं बोलूँगा इसकी लेंथ कम हो सकती थी। कुछ कुछ जहाँ पे यहाँ पे 5 एपिसोड्स में ये मूवी को कवर किया गया, मैं बोल रहा हूँ कि इसको 2 या 3 एपिसोड में कवर करके ख़त्म कर दिया जा सकता था। लेंथ कम हो सकती थी, क्रिस हेम्सवर्थ का जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा अच्छा हो सकता था, एंडिंग अच्छी है, क्रिस हेम्सवर्थ का जो पार्ट है वो थोड़ा और उसको खूंखार दिखाना चाहिए था और तो उसमें मज़ा आ जाता। यही था मेरा रिव्यू, मैं इस मूवी को देता हूँ 3 out of 5 stars एंड आई वुड सजेस्ट कि ये मूवी आप 4DX में अवॉइड करिए, क्योंकि 4DX में फ्यूरियोसा मूवी देखकर मेरा विंगार्डियम लेव्योसा हो गया। तो यही था आज का रिव्यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।